वेलकम टू माय चैनल क्रेजी सोनी। और प्लीज 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 बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए वीडियो को, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, और अभी के अभी जाके सब्सक्राइब करो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी सोनी। और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक नई डिश जिसका नाम है शेजवान पनीर हक्का नूडल्स। चलिए हम किचन में आपको बताते हैं कि शेजवान हक्का नूडल्स कैसे बनते हैं। कम आइए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि आपको शेजवान पनीर हक्का नूडल्स के लिए क्या क्या चाहिए। और मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से कट करके रखे हैं, सारे सॉसेस यहाँ पे अवेलेबल है, हमारा ऑयल यहाँ रखा है, और मैंने ये नूडल्स भी बॉयल कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला नूडल्स हो रहा है। और ये वाले नूडल्स मैंने यूज किए हैं वेज हक्का नूडल्स। लेट्स गो, कैसे बनाना है हमें नूडल्स। पहले हमें उसके लिए एक पैन चाहिए, और हमने गैस ऑन कर ली है, हम इसे मीडियम फ्लेम में रखेंगे, और हम इस पैन को थोड़ा सा गर्म होने देंगे अभी। और इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल यूज करेंगे। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अब अनियंस जो कि मैंने पहले से ही चॉप कर रखे हैं, और ग्रीन चिलीज, अब थोड़ा सा हम इसे चला देते हैं। शिमला मिर्च है वो ऐड कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे प्याज के साथ। कैबेज ऐड कर देते हैं, और इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ा अच्छे से गल जाए, और इसमें ये थोड़ा सा टेस्ट भी चला जाए। अभी 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पकने देते हैं जिससे कि इसमें टेस्ट आए। आप देखो अब ये थोड़ा सा पक चुकी हैं सब्जियाँ। अब हम इसमें जितने भी सॉसेज हैं वो ऐड कर सकते हैं। शेजवान चटनी, क्योंकि हम शेजवान पनीर नूडल्स बना रहे हैं, तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे चिली विनेगर 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस 1 स्पून। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने हाई फ्लेम कर दिया है क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी है नूडल्स देखते। अब इसे 30 सेकंड के लिए हम पकने देते हैं। ये अच्छे से सब कुछ इसमें जितने भी मैंने सॉसेस डाले थे वो सब ऐड हो चुके हैं। अब हम इसमें जो हमारे वेज हक्का नूडल्स हैं वो हम इसमें डाल देंगे, और आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हैं। हमें थोड़ा कच्चा बॉयल करना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखो कितने अच्छे हैं, तो खाने में कितने यम्मी होंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं एज पर योर टेस्ट। फिर से हम इसको मिला देंगे। आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना सुंदर आ रहा है।
हम इसमें सारे सॉसेस सारी वेजेस अच्छे से मिक्स होने देंगे। अब इसे अच्छे से पकने देते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया था शेजवान पनीर वेज हक्का नूडल्स हैं, तो हम इसमें पनीर के क्यूब्स भी ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा फ्राइड पनीर डाल सकते हैं, बट मैंने रो पनीर को यूज किया है क्योंकि मुझे रो अच्छा लगता है। अब ये पनीर भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसे 2-3 मिनट्स इसे अच्छे से पकने देते हैं। तो अब हमारे नूडल्स बनके बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। वाओ कितने यम्मी है, मेरे से मुँह बहुत पानी आ रहा है देख के। मन कर रहा है बस जल्दी जल्दी खा लूँ। अब मैं बंद करती हूँ गैस और मैं इसे सर्व करती हूँ गर्मा गर्म शेजवान पनीर वेज हक्का नूडल्स। और मैं इसे अपनी फेवरेट कोको कोला कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये रहे हमारा फाइनल नूडल्स। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि इनका टेस्ट कैसा है। दे आर ऑसम, बहुत अच्छा टेस्ट है। और अगर आपको ये वाली डिश पसंद आई हो तो लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें और मुझे बहुत बहुत सारा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए इतना। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।